तो हमने कहा गया कि हाँ, तो 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा स्क्वायर बनेगा तो रूट के बाहर आ जाएगा, और ये क्या है, a माइनस b, और ये आपका a+b। हाँ तो 1 - cos2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खुशी रहो मयंक। तो a - b a+b, तो a² - b² तो आपका क्या बन जाएगा, रूट में 1 - cos²θ, 1 - sin²θ, 1 - sin²θ बन जाएगा, आपका बन जाएगा 1 + sin थीटा अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा बेटा 1 - sin² मतलब cos²θ, बोले तो cos थीटा रूट के बाहर आएगा तो cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना रूट यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ध्यान देना एक चीज, cos θ² जब भी रूट के बाहर निकालेंगे सर, दोनों को अलग अलग करने पर आंसर आ गया। अरे बहुत बढ़िया, वही करना ही था बेटा। तो 1 + sin थीटा रूट के बाहर जब भी निकालते हैं बेटा मॉड लगाते हैं। ठीक है सर, ये कौन सा नया तरीका सिखा रहे हो यार, सीधे काम आप काहे नहीं करवाते हैं, हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप पेचा दे देते हैं। हम कह रहे सुनो तो, यही तो खेल है जीवन का। हाँ, यहाँ जब भी रूट रूट ध्यान रखो, रूट में जब भी x² गायब करना तो बाहर मॉड एक्स लिखना, वो अलग बात है बाद में भले मॉड हटा देना कंडीशन देख करके, लेकिन यहाँ क्या है, थीटा बोल दिया है -π/2 से π/2, समझना बड़े हो गए हो, थीटा है -π/2 से π/2, तो मेरी बात अभी मान लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी भी कम है, तो -π/2 से π/2 में कॉस पॉजिटिव होता है। हाँ, -π/2 मतलब इस साइड, π/2 मतलब इस साइड, और फोर्थ क्वाड्रेंट और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड का कोई मतलब नहीं है, मॉड अब हम हटा देंगे, एग्जाम में हम दिखाएंगे मॉड। ठीक है, तो और ये अगर डाल लो, क्योंकि अगर ये न दिया होता, ये न दिया होता तो यहाँ पे मॉड लगाते हैं आंसर, फिर कुछ और आता, ये आपका कॉस थीटा बन जाएगा, मॉड हट जाएगा, तो अब अलग अलग कर देंगे, तो 1 / cos, जैसा मयंक कह रहा था अलग अलग कर देंगे, 1 / cos और sin / cos। ठीक है, शायद हम लोगों ने ये स्टेप नहीं लिखा होगा मैक्सिमम बच्चों ने, ठीक है, और हटा दिया फिर, क्योंकि ये स्टेप सर अभी हम लोग पढ़े नहीं थे। तो 1 / cos मतलब आपका हो जाएगा ये sec थीटा बेटा, और +sin / cos मतलब हो जाएगा बेटा tan थीटा। ठीक है, बहुत ही हलवा सवाल, और आपने तुरंत कर लिया इसको, बहुत मजा आ गया हमें। हाँ, अगला सवाल आपके लिए ये रहा बदमाशी शुरू, जहाँ एनोटेशन मेरा ऑन रहता है तुरंत एरो एरो है मजा आता है ना चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फिर से करते हैं, एक सवाल और देने जा रहे हैं आपको, जरा ये सवाल करो ना, जरा ये सवाल करो, देखें मजा आएगा फिर। सवाल है, अब कलर चेंज कर देना, इस बार येलो पेज ले लेते हैं। ठीक है, येलो पेज पे पढ़ेंगे सर, बड़ा ब्राइटनेस हो गया यार, ऑरेंज ले लें अब, ये ठीक है, हाँ ऑरेंज बढ़िया है तो ऑरेंज पेज पे हम एक सवाल देने जा रहे हैं, प्रूव दैट, केवल बेसिक फॉर्मूले पे है, जितना आप लोग को आता है बस उसी पे हम खाली रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, प्रूव करना है आपको कि 1 / sec a - tan a - 1 / cos a, ध्यान देना सवाल को, आपको प्रूफ करना है ये बराबर 1 / cos a - 1 / sec a + tan a। बड़ा ही सुंदर सिंपल सवाल है, प्रूफ करिए LHS बराबर RHS। समय ले लो, 1 मिनट ले लो, 1 मिनट का टाइम है, बड़ा सिंपल सा है, फटाफट लग जाओ काम में, लग जाओ बेटा। आइए फिर देखते हैं। मैं LHS लेके चल रहा हूँ, देखो तो हमको एक चीज पता है, एक स्क्वायर है -tan² है इक्वल टू 1 होता है, बोलो आ रहा है। ठीक है, एक स्क्वायर -tan² इक्वल टू 1 होता है भैया। अच्छा, तो a² - b² है ना, इसको लिख दें क्या, a + b और a - b, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, वीडियो भी म्यूट कर लो, आकाश बेटा म्यूट कर लो। तो a² - b² तो a + b, a - b बराबर 1 हो गया। यहां से हम लिख सकते हैं किसी एक को दूसरे का रिसिप्रोकल, तो इसी को लिख देते हैं 1 / sec a - tan a, ये हो सकता है यहाँ से, है ना। तो स्वादानुसार आप इसको ये लिख सकते हो, या आप इसको 1 / sec + tan b लिख सकते हैं। ठीक है, आइए
बढ़ते हैं आगे। तो कहने का अर्थात ये था कि एलएचएस है, एलएचएस लेके चलते हैं। सर आरएचएस से हो गया। अच्छा बढ़िया है, आरएचएस से हो गया तो एलएचएस भी हो गया। तो बात देखिए, हम कह रहे हैं इसको लिख देंगे 1/6 के -10 ए को लिख दे रहे हैं, सेक ए +10 ए, क्या कहते हो? बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 1/6 के -10 ए, समय कम बचा है, और 1/cos को सेक लिख दिए -sec ए। तो अब ध्यान दो, माइनस कॉमन ले लो है? इसको सेक ए रहन दो, सेक ए रहन दो, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, क्या जाएगा आपका? सेक ए -10 ए फिर से आ जाएगा, ठीक है? तो सेक मतलब 1/cos ए, और सेक ए -10 ए मतलब 1/sec ए +10 ए, ठीक है? और यही आपका क्या हो गया, आपका आरएचएस हो गया। थोड़ा सिंपल सवाल था, खाली इधर तो करना था, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल था, समय लगभग लगभग 20 सेकंड बचा हुआ है, अपने आप अभी टर्न अप हो जाएगा। तो सारे बच्चे जो है नेक्स्ट क्लास में हमसे मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री सारे फॉर्मूले को याद करके, ठीक है? आज के क्लास यहीं पे हम टर्न अप करते हैं, और